लखनऊ पुलिस पर स्मैक तस्करी का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस पर आरोप लगा है स्मैक तस्करी का। और इस मामले में स्मैक तस्करी के आरोप में सिपाही गिरफ्तार किए गए हैं और सिपाही समेत चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। नार्कोटिक्स की टीम ने गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 1.5 लाख की स्मैक बरामद की गई है। तो ये नशीला पदार्थ कोई और सप्लाई नहीं कर रहा था बल्कि पुलिस कर रही थी। पुलिस पर स्मैक तस्करी के आरोप लगे हैं। संतोष शर्मा सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, इस पूरे मामले में क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है, कौन कौन ये तस्कर हैं और पुलिस का क्या रोल है इसमें, तस्करी में? देखिए, ये लखनऊ पुलिस का ही तैनात सिपाही है पवन कुमार, जिसको की तस्करी के आरोप में नारकोटिक्स की टीम ने गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात ये खुद ही स्मैक तस्करी के पूरे कारोबार को चला रहा था और इस पूरे मामले पर नारकोटिक्स की टीम ने इस आरोपी सिपाही पवन कुमार के साथ इसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है और क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि ये बाराबंकी से लेकर के आसपास के जिलों में स्मैक तस्करी के कारोबार चला रहा था और खास करके वर्दी की आड़ में ये तस्करी करने के लिए खुद दावर्दी होकर के जाता था, जिससे कि अगर चेकिंग करने वाली टीम किसी इनपुट पर काम भी करती तो इसको देख करके शक नहीं होता था कि कोई सिपाही दावर्दी होकर स्मैक सप्लाई का काम करेगा, लिहाजा उसी का फायदा उठा रहा था। इस बात की जानकारी नारकोटिक्स की टीम को मिली और उसने रंगे हाथों इसको 3 तस्करों के साथ 1.5 लाख की स्मैक समेत गिरफ्तार कर लिया। ये वाकई संतोष अपने आप में बेहद गंभीर है कि जिस पुलिस से उम्मीद है कि इस तरह की तस्करी को रोकेगी, ये तो पुलिस वाले ही तस्करी में जुटे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं भीतर जो अब निकल कर आ रही हैं। देखिए, ये पहला मामला नहीं है जब लखनऊ पुलिस के दामन पर कोई दाग लगा हो। इससे पहले लखनऊ पुलिस डकैती डाल चुकी है। लखनऊ पुलिस ने व्यापारी के घर पे 7 लाख की डकैती डाल ली, वहां पे बदमाशों के साथ घर पे गए और कोयला व्यापारी के घर से 7 लाख रुपए लूट लिए। मामला खुला तो उसके बाद सिपाही जेल गए, जो तमाम उसके साथी जेल गए। इस चीजें से अफसरों के काफी शिथिल पर्यवेक्षण का नतीजा है कि अफसरों का खौफ नहीं रह गया। उनको लगता है कि जब तक काम चल रहा है तो उनके ऊपर कानून का खौफ नहीं है, अफसरों का खौफ नहीं है। यही वजह है कि लगातार लखनऊ पुलिस के दामन पर दाग लग रहे हैं। एक तरफ अपराध बढ़ रहा है, सड़क पर हत्याएं हो रही है, तो दूसरी तरफ वर्दी अपराध में लिप्त हो रही है। ये बड़ी दयनीय स्थिति होती जा रही है राजधानी लखनऊ में। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक पुलिसकर्मी इन तस्करों के साथ मिला हुआ था और ये पुलिसकर्मी बकायदा ड्रेस में ये स्मैक की तस्करी करता था, ताकि अगर किसी को इनपुट हो भी तो वो पुलिसकर्मी इसको देखकर फिर उनको आसानी से जाने देते थे और ये अपना काम कर रहा था। इस बीच में नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दी गई, इस संबंध में जानकारी दी गई, तो फिर नार्कोटिक्स की टीम ने इस पुलिसकर्मी समेत इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से जो स्मैक है वो भी पकड़ ली गई है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।